अब हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी इन इंडिया, मतलब साइकोलॉजी सिर्फ इंडिया के अंदर ही कैसे आई और कैसे आगे बढ़ी। हियर वी हैव अनदर टेबल, इससे आपको पता चलेगा कि साइकोलॉजी इंडिया में कैसे कैसे आई, लोगों ने क्या क्या थ्योरीज दी और ये कैसे डेवलप हुई इंडिया के अंदर। अब हम पढ़ेंगे ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी, साइकोलॉजी की ब्रांचेस क्या क्या होती हैं। सो देर आर फाइव पिलर्स इन साइकोलॉजी, बायोलॉजिकल, कॉग्निटिव, डेवलपमेंटल, सोशल एंड पर्सनालिटी, मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। अब हम इन सबको आगे एक एक करके पढ़ेंगे डिटेल में। फर्स्ट आती है हमारी कॉग्निटिव साइकोलॉजी। कॉग्निटिव साइकोलॉजी क्या करती है, ये इन्वेस्टिगेट करती है हमारे मेंटल प्रोसेस को जो हमारे इन्वॉल्व होता है एक्विजिशन में, स्टोरेज में, मैनिपुलेशन में, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंफॉर्मेशन में, विच रिसीव फ्रॉम द एनवायरनमेंट। ठीक है, तो हमारी जो जो भी इंफॉर्मेशन होती है उनको स्टोर करता है, मैनिपुलेट करता है, ये होता है हमारा कॉग्निशन। सो कॉग्निटिव साइकोलॉजी क्या करती है, कॉग्निटिव साइकोलॉजी क्या करती है, रिट्राई करती है, स्टोर करती है, मैनिपुलेट करती है हमारी इंफॉर्मेशन को जो भी हम रिसीव करते हैं एनवायरनमेंट से। तो हमारे मेजर कॉग्निटिव प्रोसेसेस क्या क्या होते हैं, जो हमारे मेन कॉग्निटिव प्रोसेसेस होते हैं वो होते हैं हमारे अटेंशन, परसेप्शन, मेमोरी, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, ये सब होते हैं हमारे मेन कॉग्निटिव प्रोसेसेस। अब आती है हमारी बायोलॉजिकल साइकोलॉजी। हमारी बायोलॉजिकल साइकोलॉजी क्या करती है, ये ज़्यादातर फोकस करती है रिलेशनशिप्स पे बिटवीन बिहेवियर एंड फिजिकल सिस्टम। हमारा जो भी बिहेवियर होता है और हमारा जो फिजिकल सिस्टम होता है ये उस पर फोकस करती है, इंक्लूडिंग द बिहेवियर एंड रेस्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम। हमारा जो भी हमारा ब्रेन और हमारे बाकी के जो नर्वस सिस्टम होते हैं, हमारे जो नर्वस सिस्टम होता है उस पर ये फोकस करती है। सो बायोलॉजिकल साइकोलॉजी एक्चुअली में क्या, एक्चुअली में किस चीज़ के लिए होती है, तो इट कंसर्न प्राइमरली विद द रिलेशनशिप बिटवीन साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस एंड द अंडरलाइंग फिजियोलॉजिकल इवेंट्स। तो ये किसका रिलेशन होता है, साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस का और फिजियोलॉजिकल इवेंट्स का। और आप उनको दूसरे सिंपल वर्ड में बोल सकते हैं माइंड बॉडी फिनोमिना। क्या होता है बायोलॉजिकल साइकोलॉजी, कुछ नहीं होता, ये सिर्फ माइंड बॉडी फिनोमिना होता है सिंपल वर्ड। अब आती है हमारी डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी किस चीज़ के बारे में करती है, स्टडीज द फिजिकल, सोशल एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस दैट अकर एट डिफरेंट स्टेजेस ओवर आवर लाइफ स्पैन। ये कुछ नहीं करती है, हमारे सिर्फ डिफरेंट फिजिकल, सोशल और साइकोलॉजिकल चेंजेस जो भी हमारी बॉडी में अकर होते हैं हमारी पूरी जिंदगी में, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक, ये उसके बारे में करती है। फिजिकल जैसे हमारी हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आए फिजिकली जो दूसरे लोग देख सकते हैं, जैसे हमारे रिंकल्स आ जाते हैं, हमारी हाइट बढ़ जाती है, और बाकी हमारे सोशल चेंजेस, हमारे साइकोलॉजिकल चेंजेस, जैसे जैसे हम बड़े होते होते जाते हैं वैसे वैसे लोगों को काम की टेंशन हो जाती है, डिप्रेशन होने लगता है, एंग्जाइटी होने लगती है। तो क्या क्या चेंजेस होते हैं डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, इसके बारे में हमें बताती है। अब हम पढ़ेंगे न्यूरो साइकोलॉजी। तो न्यूरो साइकोलॉजी क्या होती है, ये इमर्ज हुई एज अ फील्ड ऑफ रिसर्च वेयर साइकोलॉजिस्ट एंड न्यूरो साइंटिस्ट आर वर्किंग टुगेदर। यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट और न्यूरो साइंटिस्ट एक साथ काम करते हैं, न्यूरो साइंटिस्ट में काम करते हैं क्योंकि यह है न्यूरो साइकोलॉजी, इसलिए न्यूरो साइंटिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट यहाँ पे एक साथ काम करते हैं। अगर किस चीज के बारे में पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं रोल ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यूरल कम्युनिकेशन इन डिफरेंट एरियाज ऑफ द ब्रेन। ठीक है, तो ये किस चीज़ के बारे में पता है कि न्यूरो ट्रांसमीटर का क्या रोल होता है, रोल ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं न्यूरल कम्युनिकेशन के लिए हमारे ब्रेन के डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में। तो न्यूरो साइकोलॉजी बेसिकली क्या होता है, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी दैट इज कंसर्न विद लाइक हाउ अ पर्सन कॉग्निशन एंड बिहेवियर आर रिलेटेड टू द ब्रेन एंड रेस्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम। हमारे ब्रेन और रेस्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम से ये कैसे रिलेट करता है, इस चीज़ के बारे में बता दिया हमने न्यूरो साइकोलॉजी। सो प्रोफेशनल्स इन दिस ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी आर ऑफन फोकसेस इन हाउ इंजरीज और इलनेसेस अफेक्ट कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल फंक्शंस। इसमें हमारे जो साइकोलॉजिस्ट और न्यूरो साइंटिस्ट होते हैं वो ये भी बताते हैं कि हमारी जो इंजरीज, जैसे हमें चोट लग जाती है या हमारी जो इलनेसेस होती हैं वो कैसे
अफेक्ट करती हैं हमारे कॉग्निशन को और हमारे बिहेवियरल फंक्शंस को। तो ये होती है हमारी न्यूरोसाइकोलॉजी। तो अब आती है हमारी सोशल साइकोलॉजी। तो सोशल साइकोलॉजी हमें क्या बताती है? सोशल साइकोलॉजी हमें बताती है कि हाउ पीपल आर अफेक्टेड बाय देयर सोशल एनवायरनमेंट। पीपल अपने सोशल एनवायरनमेंट से कैसे अफेक्ट होते हैं एंड हाउ पीपल थिंक अबाउट एंड इन्फ्लुएंस अदर। और लोग कैसे सोचते हैं और कैसे दूसरों को इन्फ्लुएंस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई एक फ्रेंड है, उसे फुटबॉल पसंद है, तो आपका भी मन करेगा कि मैं भी जाके खेलूँ उसके साथ। तो क्या हुआ, उसकी बिहेवियर में आपको इन्फ्लुएंस करा, आप सोशली इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। तो इस चीज के बारे में हमें बताती है सोशल साइकोलॉजी। फिर आती है हमारी क्रॉस कल्चरल एंड कल्चरल साइकोलॉजी। तो क्रॉस कल्चरल एंड कल्चरल साइकोलॉजी मतलब, क्रॉस कल्चर क्या होता है? क्रॉस कल्चर मतलब जैसे इंडियन एंड अमेरिकन अपने अपने कल्चर के बारे में बताएं कि हमारे यहाँ ऐसा होता है, हमारे यहाँ ऐसा होता है, वो होता है क्रॉस कल्चरल। और कल्चरल क्या होता है? हमारे इंडिया के अंदर भी अगर दो लोग आपस में एक दूसरे को बताएं इंडिया के बारे में, तो होता है हमारा कल्चर। तो क्रॉस कल्चरल एंड कल्चरल सोसाइटी, ये क्या होती है, इसका क्या रोल होता है? द रोल ऑफ कल्चर इन अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर। बिहेवियर को अंडरस्टैंड करती है, हमारे थॉट को अंडरस्टैंड करती है, हमारे इमोशंस को अंडरस्टैंड करती है। और ये क्या रिज्यूम करती है कि ह्यूमन बिहेवियर इज नॉट ओनली अ रिफ्लेक्शन ऑफ ह्यूमन बायोलॉजिकल पोटेंशियल बट ऑल्सो प्रोडक्ट ऑफ कल्चर। उन्होंने बोला कि जो ह्यूमन बींग होता है वो सिर्फ, वो क्या कहते हैं, सिर्फ बायोलॉजिकल पोटेंशियल ही नहीं बट वो कल्चर का भी एक प्रोडक्ट है। तो ये हमें क्या बताती है, हाउ कल्चरल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस ह्यूमन बिहेवियर। मतलब जो हमारे कल्चरल फैक्टर्स होते हैं, हमारे जो कल्चर में अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, वो कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे ह्यूमन की बिहेवियर को। तो ये होती है हमारी कल्चरल एंड क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी। अब आती है हमारी इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी। तो इन्वायरमेंटल किस चीज़ के बारे में पढ़ती है? इन्वायरमेंटल पढ़ती है हमारे इंटरैक्शन ऑफ फिजिकल फैक्टर्स के बारे में, such as temperature, humidity, pollution and natural disaster on human behavior. तो ये जो जितनी भी चीज़ें होती हैं इन सबका ह्यूमन बिहेवियर पर क्या असर होता है, ये उस चीज़ के बारे में बताती है। फॉर एग्जाम्पल, आप नेचुरल डिजास्टर का एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे कहीं पर कोई डिजास्टर आ गया, कोई अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ गई, फ्लड आ गया, तो वहाँ पर जो लोग बच जाएंगे, जो सर्वाइवर्स होंगे, उनके साथ क्या होगा? वो लोग डिप्रेशन में चले जाएंगे, उन्हें PTSD हो जाएगा, उनका बिहेवियर बहुत अनयूजुअल हो जाएगा, उनके बहुत बहुत से कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगेंगे, डिसएग्रीमेंट्स होने लगेंगे दूसरों के साथ भी और अपने लव्ड वन के साथ भी। तो ये हमें बताता है कि जो भी इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ें हो रही हैं वो हमारे ह्यूमन बिहेवियर पे कैसे असर डाल रही हैं। तो ये होता है हमारा इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी। अब आता है हमारा हेल्थ साइकोलॉजी। तो हेल्थ साइकोलॉजी क्या कहता है? हेल्थ साइकोलॉजी फोकसेस ऑन द रोल ऑफ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की क्या रोल है ये उस पर फोकस करता है। फॉर एग्जाम्पल, स्ट्रेस एंड एंजाइटी।